गुड तो गुड इवनिंग इवनिंग। बेटा। बेटा बाबा जी की जय। अभी आइए करें। हाँ। सर, अब मैं लो स्टार्ट करूं। जून के लिए तो हो सकता है। आ, सर बेटा, मुद्दा ये है कि आपके पास में पूरी कंप्लीट डिटेल क्लासेस हैं है या नहीं है क्योंकि रिवीजन क्लासेस बेनिफिशियल तब होती है जब आपने कंटेंट पढ़ा हुआ होता है, है ना? एक दो तीन चार बाबा जी की जय जयकार वेलकम आइए स्टार्ट करते हैं तो लीजिए भैया आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या सुनो 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 भाई लोग बात कर लेते हैं सुनो सर so, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपकी कंपनी एक्ट का और ऐसा टॉपिक जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा मिलेगा यस इसका नाम है बेटा कॉर्पोरेट हाँ पढ़ा ही पढ़ता बेटा वही वाला है टॉपिक तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा कॉर्पोरेट वेल और उसकी लिफ्टिंग के बारे में

हमारे आज का टॉपिक है लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल जो पार्ट बाकी बच्चों के लिए मुश्किल है हमारे लिए बेटा चिंदी है टॉपिक तो लिखो कॉर्पोरेट वेल आज ये पार्ट पढ़ डाला समझ लो उसके बाद कभी इसमें दिक्कत नहीं आएगी तुम लोगों को तो लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको लिख वेरी 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 इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा कि इसमें फाइव टू सिक्स मार्क्स में आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है पांच से छह नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो इसको हम आज रिवाइज करने वाले हैं पूरा पढ़ने वाले पढ़ने वाले है ना कोई नहीं, दिविशा दिविशा वेलकम तुम्हें बहुत याद किया दिविशा बेटा अभी आप आयो वेलकम बेटा गुड इवनिंग दिविशा रोशनी यस बेटा हाँ सुनो ध्यान से गाइज आज हम स्टार्ट करें कॉर्पोरेट वेल की लिफ्टिंग वाला पार्ट इसको नॉर्मली हमारी क्लास के बच्चे इसको जानते हैं पर्दा ही पर्दा से ऊपर टॉपिक इसमें हम गाना गाते हैं भैया हाँ पर्दा है पर्दा पर्दा उठने वाला है बेटा बात करते हैं इस बारे में बोल रहा हूँ अक्सर बच्चे का नाम जानते हैं तो लेकिन प्रैक्टिकली इसको याद करें कैसे इसकी लीगल प्रोविजंस कौन कौन से लिखने एग्जाम में आइए यहां से सुनना चालू करते हैं पहली बात कॉर्पोरेट वेल क्या होती है बेटा Normally, अगर मैं मुझे कुछ मिल जाए तो मैं तुम्हें तो करता सुनो, सुनो, सुनो। ये एक बेटा सिंपल सा पेपर है मेरे पास में बड़ी कहानी समझते हैं और फिर डिस्कशन बारे में करते हैं तो पहली बात सुनना suppose, मैं आप लोगों ने जब सेपरेट लीगल एंटिटी कंटेंट सुना था मैं चाहूंगा हर बच्चा सुने और एकदम आपस में इंटरेक्शन करें हमने एक वर्ड सीखा था सेपरेट लीगल एंटिटी मोस्ट टॉपिक ऑफ योर कंपनी लो जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा भाई साहब सुन लो ध्यान से हां जी हाँ कह रहे फिर से लायक मैं गाना नहीं गा रहा मैं चुपचाप सीधा पढ़ाऊंगा तुम्हें तो मैंने बोला बेटा एग्जाम्पल के लिए मुझे पेपर मिला आपने एक लाइन सीखी थी कि जो लोग मेंबर्स कंपनी को बनाते हैं जो कंपनी को बनाते हैं वो लोग कंपनी के लिए कंपनी की लाइब्रिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते इट मीन केस में पढ़ लिया रिवाइज कर लिया है अब बताया कि भैया लिफ्टिंग क्या होती है और कॉर्पोरेट वेल well की लिफ्टिंग का मतलब क्या है तो नॉर्मली इस बात को मैं अपने ऊपर लेके चल रहा हूं सुनना ध्यान से मैंने बोला बेटा मैं हूं कंपनी मैं वो कंपनी जिसे तुमने बनाया एग्जांपल सुनना तुम सब लोग कौन समझना यहीं से सुनना चालू करना आप सब लोग हो बेटा मेंबर ऑफ ए कंपनी तुम सब सबने मिलकर इस कंपनी को बनाया अब लेकिन क्या हुआ मैंने अभी बोला कि हमारे बीच में एक शील्ड है हमारे बीच में एक जैसे ही पर्दा जैसे पेपर बीच में आया क्या मैं दिख रहा होंगे तुमको दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा मतलब सिंपल सी बात कहने का मतलब तुम्हारे मेरी जो भी लाइब्रेटीज है वो तुम्हारी नहीं है तो यही वर्ड था कॉर्पोरेट वेल लेकिन जब मैं आज आज की क्लास में आज हम इसी पेपर के बीच में एक होल करने वाले हैं नॉर्मली टॉपिक को लोग दो नाम से जानते हैं एक वर्ड वर्ड जानते हैं बेटा लिफ्टिंग ऑफ ऑफ कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सेकंड इज कॉल्ड पियर्सिंग मैं अभी पियर्स कर रहा हूँ इसको ठीक है इसके बीच में टुकड़े बना रहा हूँ तो लो भैया अभी हम इसकी ऐसी कुछ बातें करने वाले हैं ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं बात समझते हैं फिर पेपर वापस लेके आऊंगा मैं तो नॉर्मली द वर्ड कॉर्पोरेट वेल क्या होती है वन बाय वन सुनना चालू करेंगे कॉर्पोरेट तो वेल या सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है वर्ड इज इट शील्ड कॉर्पोरेट वेल इज शील्ड एक तरह की शील्ड है बेटा. क्या करती है Normally, shield क्या करती है? Shield protection देती है. बताना? देती हाँ है ना तो that provide protection. सुनते रहना. सब कुछ समझा दूंगा बस सुन लो समझा मैं अपने आप दूंगा दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसको टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी आप कौन हो आप मेंबर्स मैं कौन मैं कंपनी मतलब मेंबर्स ऑफ द कंपनी कंपनी के मेंबर को प्रोटेक्शन देती है किसकी प्रोटेक्शन देती है बेटा अगेंस्ट दी किससे अगेंस्ट दी लाइबिलिटी अगेंस्ट दी सुनते रहना मिस मत करना कुछ भी अगेंस्ट दी लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी भैया एक बात बताओ छोटी सी रिप्लाई करना अगर मैं तुम्हारी कंपनी हूं समझना अगर मैं तुम्हारी कंपनी हूं तो मेरे मेरे जो किस कंपनी के जो भी क्रेडिटर्स हैं जो भी मुझसे पैसा मांगते हैं जो मेरे लेनदार हैं मुझसे पैसा मांग मुझसे डीलिंग कर रखी है।, है, है क्या जैसे एग्जाम्पल दिया था रिलायंस कंपनी धीरू सॉरी धीरू अंबानी ने चालू की थी आज मुकेश अंबानी एग्जाम्पल के लिए तो मुझे बताओ अगर रिलायंस पे किसी पर्सन ने केस फाइल किया तो क्या वो केस गया बताओ मुझे क्या अगर किसी पर्सन ने कोई केस फाइल किया रिलायंस कंपनी पर कोई पैसा मांगता रिलायंस कंपनी से तो क्या वो पैसा मुकेश अंबानी को देना पड़ेगा उसकी लाइब्रिटी है या जेल को, क्या, क्या क्या वो केस मुकेश अंबानी पे गया इज इट बताओ टेल मी। बोलो 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 क्वेश्चन बता दूंगा बेटा नहीं सर कंपनी पे गया समझ में आया तो कहने का मतलब कंपनी की लाइब्रिटी जो होती है वो कंपनी की होती है हम पहले पढ़ चुके हैं दाइब्रेटी ऑफ द कंपनी बिलोंग टू दंपनी नोट टू दी मेंबर्स और इसके लिए मेंबर्स हमेशा प्रोटेक्शन में रहते हैं और वो जो जो शील्ड बंद था भैया मतलब मैं और तुम अलग अलग है ये बात क्लियर थी अब मुद्दा आया भाई साहब लिफ्टिंग क्या होती है यही तो जानना है कॉर्पोरेट तो वेल का मतलब समझते हैं कि एक शील्ड जो प्रोटेक्शन दे रही है मेंबर्स को ओके भैया

दिन जिस दिन ऐसा कोई काम मेंबर करेंगे सुनना जिस दिन ऐसा कोई काम मेंबर्स करेंगे जो कंपनी में हुआ लेकिन किया मेंबर्स ने मिसकंडक्ट किया, फ्रॉड किया सर क्या बोल रहे हो रिपीट कर रहा हूं दोबारा बताना मुझे सुनना ध्यान से बेटा क्या कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्या कंपनी खुद से कोई काम कर सकती है क्या टेलमी बताओ हा है ना वेरी गुड कौशल अभी बताओ टेलमी 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 यह कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है गाइज कंपनी तो खुद से कोई काम कर सकती है क्या नहीं सर तो कौन करता है कंपनी के बिहार पर डिसीजन मेकिंग कौन करता है कौन लेता है एक्शन कौन करता है काम सबने रिप्लाई क्या मीनिंग निकलता है वेरी वे मोल बहुत है बहुत बड़ी अनमोल एग्जैक्टली बेटा कौन करता है कौन कौन बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी तो मुद्दा यह आया बेटा जिस दिन नॉर्मल केसेस में तो जो मेंबर्स हैं वो लायबल नहीं होते कंपनी की लाइबिलिटी के लिए लेकिन ऐसी कुछ कंडीशन जहां पर फ्रॉड किया गया मिसकंडक्ट किया गया या कोई काम बेस पे नहीं हुआ तो भैया कंपनी थोड़ी कर रही है वो काम मेंबर ने किया होगा तो इसीलिए कोर्ट रिपीट कर रहा हूं जिस दिन भी ऐसा कुछ काम होगा जिस दिन भी ऐसा कुछ होगा उस दिन कोर्ट क्या करेगा कोर्ट ऑर्डर पास करेगा और बोलेगा भैया पता करो कंपनी के पीछे वो कौन से लोग थे कंपनी के पीछे वो कौन सी पे बैठे हैं जिन्होंने वो किया, वो मिसकंडक्ट किया इरेगुलरिटी की तो बेटा उसी को चेक करने के लिए कोर्ट क्या करता है कोर्ट वो जो कंपनी की कॉर्पोरेट वेल द सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट होता है उसे हटा देता है और फाइनली समझ में आता है कि भैया कौन था एग्जांपल मैंने क्या बोला रिपीट कर रहा हूं सुनना ध्यान से ये थी कॉर्पोरेट वेल well. जैसे कंपनी ने क्या बोला कर कर दो मतलब दिया तो एट देन क्या हुआ अब मैं देख पाऊंगा कंपनी के पीछे काम करने वाले लोग कौन से थे जिनकी वजह से ही डिफाइन किया गया यहां पर कि लिफ्टिंग का मतलब क्या होता सुनना लिफ्टिंग का मतलब होता बेटा इग्नोरिंग इग्नोर करना या फिर डिसरिगार्ड करना किसको इग्नोरिंग और डिसरिगार्डिंग किसको डिसरिगार्ड कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल, कारपोरेट वेल को रट्टा समझेंगे मतलब क्या, पढ़ा? Will, ये है तो क्या है, मैं बोल सकता हूं भैया जिस दिन उस शील्ड को इग्नोर कर दिया जाएगा जिस दिन उस शील्ड को इग्नोर कर दिया जाएगा डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा जो कि मेम्बर्स को प्रोटेक्शन देती थी जो कि मैंबर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी उसी को कहा जाएगा बेटा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल अच्छा ऐसा किया क्यों ऐसा किया क्यों जाता क्वेश्चन मुद्दा ये बनता है बच्चों में सर ऐसा किया क्यों किया क्यों द आंसर इज टू चेक ये जानने के लिए टू चेक ये चेक करने के लिए द हु इज कौन हु आर द रियल ओनर्स कि प्रैक्टिकली कंपनी के पीछे थे कौन हु आर द रियल ओनर्स बिहाइंड द मिसकंडक्ट क्योंकि नॉर्मली कोर्ट हमेशा कॉर्पोरेट वेल well को लिफ्ट तब करता है बेटा जब उसे कोई मिसकंडक्ट दिखता है कोई स्कैम दिखता है कोई रेगुलरिटी दिखती है तो क्या बोला ये जानने के लिए कि भैया उस कैम के पीछे उस मिसकंडक्ट के पीछे कौन लोग थे कौन से मेंबर्स थे सारे थे कोई और एक कुछ एक थे तो क्या बोला टू रियल नो द रियल ओनर बिहाइंड सच मिसकंडक्ट उस मिसकंडक्ट के पीछे उस मिसकंडक्ट के पीछे या कंपनी में हुई इरेगुलरिटी के पीछे कौन लोग थे ये जानने के लिए जो कॉर्पोरेट वेल वाली शील्ड होती है उसे उठा दिया जाता है जानने के लिए पीछे कौन है तो यही कैंसर बनता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल अगर साठ में पढ़ना तो साथ में पढ़ना क्या पड़ेगा साठ में पढ़ना क्या बोला भाई लिफ्टिंग का मतलब डिसरिगार्ड कर देना इग्नोर कर देना किसको कॉर्पोरेट वाला शील्ड वो शील्ड जो मेंबर को प्रोटेक्शन दे रही थी कंपनी से लाइबिलिटी के लिए उस शील्ड को हटा दिया आप लोगों ने जिस दिन वो शील्ड हटी

बोर्ड डायरेक्टर में प्रैक्टिकली किसने फॉल्ट किया डिफॉल्ट किया जानने के लिए कोर्ट ने क्या किया वहां पर कंपनी अलग है विजय माल्या अलग था भैया सेम नहीं होते कि विजय माल्या कंपनी ऐसे नहीं होता पढ़ चुके हो मेंबर इज हैविंग डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी एंटिटी कंपनी तो क्या किया ये जानने के लिए कि एक्चुअली किंगफिशर एयरलाइन में कौन सा फ्रॉड हुआ क्या स्कैम हुआ क्या गलती हुई क्या रेगुलरिटी हुई क्या, क्या, क्या किया कोर्ट ने उस कॉर्पोरेट वेल well को हटा दिया था तब समझ में आया अच्छा ये विजय माल्या ही था भैया जिसने गड़बड़ी की थी बोलो क्लियर हुआ हाँ बेटा कौशल नलायक है हाँ चप्पल वाला टोपी का हा बेटा वही है हमारे पास तो बताओ मुझे अगर जिस दिन ये समझ में आ गया कि जो मेंबर में जो मेंबर थे जिनकी वजह से मिसकंडक्ट हुआ तो क्या इन मेंबर को छोड़ दिया जाएगा बताओ 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 क्या बोलेंगे जाओ घर चले जाओ अपने या ये मेंबर की लाइबिलिटी होगी बताओ नॉर्मल केस में मेंबर लाइबल नहीं होते लेकिन जिस दिन अगर मेंबर की वजह से कोई मिसकंडक्ट या इरेगुलरिटी हुई तो बेटा मेंबर क्या हो जाएंगे पर्सनल लाइबल अब लाइब्रेटी का लोस चुकाना पड़ेगा किसको मेंबर को एंड दिस इज दी कंसेप्ट यही वो कंसेप्ट बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कॉमन कंसेप्ट क्या निकल गया है मैं एक ही लाइन में क्लियर करता पूरा पॉइंट हाँ बेटा एग्जैक्टली हाँ, exactly वही हुआ था बेटा यस yes, नाइस nice. हाँ विजय भैया लेकर भाग गए भैया लगा भैया विजय भैया बोल रहे विजय मल्या को वेरी गुड नाइस बहुत बढ़िया सुनो भाई लोगों सेम ऐसा ही कुछ काम हुआ था नीरव मोदी के साथ में याद है भाई कंपनी बनाई थी मैं उस नीरा मोदी डायमंड का इंडिया से सस्ते डायमंड खरीद के एक फॉरेन कंट्री की कंपनी को महंगे में बेचता भाई बिजनेस देखा तो पीएनबी बैंक ने लोन दे दिया उसको ठीक है कि बिजनेस बड़ा स्ट्रॉन्ग कर डायमंड का काम करता है बाद में पता चला बाद में पता चला कि भैया जो कंपनी थी वो उसी के रिलेटिव के नाम की थी उसी के रिलेटिव के नाम से कंपनी खोली हुई थी और प्रैक्टिकली वो सामान किसी को बेचा नहीं जा रहा था बस खाली डॉक्यूमेंट्स के अंदर पेपर में दिख रहा था कि भाई लाखों का सामान करोड़ों में बिक रहा है उस दिन सामने आता है आपका असली चेहरा कि कौन से मेंबर थे जिनकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ बोलो क्लियर हुआ क्या बोला मैंने बोलो नो डन है उस दिन पता चलता है कि एक्चुअली क्या हुआ था हाँ एक का दो एक का दो एक का दो वही है बेटा तो यही कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं कि कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कैसे होती है लिफ्ट कैसे होती है तो मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल यही रहेगा एग्जाम में यही लिख के आना भाई साहब कि डिसरिगार्डिंग इग्नोरिंग दी शील्ड दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दीबर ऑफ द कंपनी अगेंस्ट दी लाइब्रेटरी ऑफ द कंपनी उस चीज को ही डिसरिगार्ड करना उस चीज को हटाने को बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल या इसी का नाम है पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल बोलो क्लियर हुआ क्या कंसेप्ट मीनिंग क्लियर है तभी आगे बढ़ पाएंगे हम लोग ये क्लियर है क्या ये समझ में आया रोशनी कौशल अनमोल अदिति अभी बेटा यश बताओ 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 दिविशा डन है आ जाओ बेटा अब मुद्दा आया भाई साहब कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करने के तरीके क्या है अब सुन लो ध्यान से कंपनी में कंपनी की कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो गई मतलब अब मेंबर्स लाइबल हो सकते हैं तो कॉर्पोरेट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल दो तरीके से होता है सुनना और आपको पढ़ना है एक तरीका बट जान लो दोनों के बारे में रिविजन कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूं मैं आपको तो लिफ्टिंग ऑफ कपे दो तरीके से होते हैं एक्ट को द वर्ड स्टैचूट मींस एक्ट को बोलते हैं अंडर दी दुट्री प्रोविजन दूसरा है जुडिशियल प्रोविजन सुनता रहो भैया सुनता रहो कहानी चल पड़ी अब पहला है स्टेचुट्री दूसरा जुडिशियल प्रोविजन सर स्टेच्यूट क्या होता है बच्चे पढ़ लेते हैं बस चलते रहता हमें आ गया क्या आ गया भैया कंसेप्ट क्लियर करो एंड टू एंड लो के पार्ट के पार्ट अंदर तो पहला वर्ड क्या लाल सुननाच्यूट मतलब एक्ट में जो लिखा हुआ है जुडिशियल बोलते हैं कोर्ट कोर्ट को द वर्ड तो नॉर्मली दो तरह के प्रोविजन है स्टेच्यूट में क्या लिखा हुआ एक्ट ने जिन चीजों को पहले से लिख दिया सुनना एक्ट ने जिन चीजों को पहले से लिख दिया कि वो सारे केसेस जिस दिन वो सारे केसेस जिसके अंदर एक्ट ने पहले मेंशन कर दिया कि कॉर्पोरेटविल कब लिफ्ट होगी उसे बोलते हैं प्रोविजन दूसरा पार्ट ऐसे केसेस जो जहां पर कोर्ट ने जो एक्ट में कुछ नहीं लिखा था कोर्ट का डिसीजन आया था भाई जहां पे कोर्ट का डिसीजन आया था और कोर्ट में कोई केसेस गए थे मतलब डिफरेंट डिफरेंट कुछ केसेस हुए थे कोर्ट में केसेस पहुंचे केस जाने के बाद उन केस पे जजमेंट आया और तब जाके एक नया प्रोविजन बनाया गया एक नया प्रोविजन बनाया गया जो तो नया प्रोविजन बनाया गया उसी को आप काउंट करते हो हो केसेस केसेस ऑफ ऑफ प्रोविजन प्रोविजन उसी को काउंट करते हो, तो प्रैक्टिकली क्या समझ में आया भाई एक्ट में लिखी हुई बातों को फॉलो नहीं किया गया तो भी लिफ्ट होती है जुडिश कोर्ट के एक्शन लिया तो भी लिफ्ट होता है तो आपके पास आपके सिलेबस में यह नहीं है आपके सिलेबस में ये वाला पार्ट है जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आइए बेटा दिखाता हूं कौन सा पार्ट है पार्ट गाइज यह तुम्हारा कंसेप्ट कॉर्पोरेट ट्वेल अब फटाफट से हर एक पार्ट को समझेंगे अब तो या के के नहीं होंगे क्या उनकी पर्सनल लाइबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी माधव रिया संतोष अनमोल रोशनी कौशल मी बेटा क्या उस दिन वो लायबल होंगे या नहीं होंगे टेल में, टेल में, टेल में. अगर पता चला कि तुम्हें वो लोग थे जिसकी वजह से इस कंपनी को नुकसान हुआ तो बताओ क्या तुम्हारी लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी वेरी वेरी गुड पर्सनल होंगे Personal liable होंगे पर्सनल पर्सनल मतलब तुम्हारे घर से पैसे लेके आओ चाहे कहीं से पैसे लेके आओ तुम्हें लॉस पे करना पड़ेगा वेरी गुड समझ में आया आओ तो पढ़ते हैं इस पार्ट को पूरा डिटेल के अंदर कि क्या लिखा है इसके अंदर तो अभी जो मैंने पढ़ाया वो ये रहा बेटा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कॉर्पोरेट वेल मतलब कॉर्पोरेट कॉर्पोरेटिटी आई कैन यूज दी वर्ड का मतलब क्या हुआ सर सिंपल सी बात सर नॉर्मली कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है भैया सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ चुकी हो तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या बोलेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफ लिफ्टिंग कॉर्पोरेट वेल आओ बात करते हैं दिखाता हूं तो हमने जो हूँ पढ़ा दिया तो आपको यहां से आ जाओ यहां से देखो तो पहला वर्ड क्या बना सुनो 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 भाई लोगों जो अभी आप लोगों ने पढ़ा वो दिखा रहा हूं क्या पढ़ा भैया नॉर्मली आपने पढ़ा कि भैया पर्सन अलग मेंबर अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है इसी को बोलते हैं वेल ऑफ कंपनी दूसरा वर्ड क्या बोला भाई इसी का एडवांटेज लेके अगर मान लो किसी मेंबर ने नुकसान किया कंपनी को उस केस में क्या बोलोगे कोर्ट हमेशा याद रखना बेटा अगर किसी कंपनी में लॉस हुआ ना कंपनी में फ्रॉड हुआ मिसकंडक्ट हुआ इररेगुलरिटी की वजह से कंपनी को लॉस हो रहा है ऑलवेज रिमेंबर कोर्ट उस केस में यही करेगा कोर्ट उस केस में ऑर्डर पास करता है कि जाओ लिफ्ट कर दो कॉर्पोरेट वेल को चेक करो कौन से मेंबर्स थे जिनकी वजह से नुकसान हुआ और जिनकी वजह से नुकसान हुआ बेटा वो हो जाएंगे पर्सनल लाइवल जिन्हें टॉपिक नाम, नाम लाइक क्वेश्चन बोल भी रहा। आओ तो प्रैक्टिकली सीखा यहाँ पर दो बातें निकली यहाँ पर दो बातें निकली द फर्स्ट इज कॉल पहली बात तो भैया मेंबर्स ने कोई डिसऑनेस्टी की कोई फ्रॉड किया जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान पहुंचा तो मेंबर्स लायबल होते हैं भैया कंपनी लायबल नहीं होती मेंबर्स दो तरह के प्रोविजन आपके सिलेबस में आते हैं इसमें आपको एक पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो दो केस कौन एक्ट मतलब ने कौन कौन से केसेस दिए हैं जहां पर कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होगी दूसरा पार्ट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में जुडिशियल प्रोविजन कौन से हैं जहां पर कोर्ट के अंदर कोई केस गया था और वहां से एक्शन लिया गया तब सुनना ध्यान से बात दोनों के अंदर यहीं पर पूरा पार्ट रिवाइज करा दूंगा यहीं पर पूरा पार्ट रिवाइज हो जाएगा सुनते रहना बस से। पहला वर्ड एक बात बताओ, एक के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है बहुत, मैं क्या आप लोगों ने कंपनी के फीचर्स पढ़े थे पढ़े थे सर अच्छा बताना मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी कितने होते हैं मी बताओ सोचो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ तुम्हें कंसेप्ट आता है मैं प्रूव कर रहा हूं कितने तीन होते हैं।, company, तो दो होते हैं तो मुझे बताओ यह बात कहां लिखी, है? ने लिखी, तुमको, ये तुम्हारे एक्ट में लिखी हुई है टेल मी ये बात कोर्ट में लिखी हुई है या कोर्ट ने लिखी दी एक्ट में लिखी हुई है वेरी गुड तीन दो तीन दो तीन दो तीन दो तीन दो तीन दो तीन सच में लिखी है तो सोचो अगर किसी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ में डायरेक्टर्स दो से कम हो जाए एक हो जाए तो तो क्या बोलोगे क्या वायलेशन हुआ किसका वायलेशन हुआ एक्ट में लिखी बात का वायलेशन हुआ बताओ मुझे एक्ट में लिखी बात का वायलेशन हुआ या कोर्ट का वायलेशन हुआ एक्ट की बात का वायलेशन हुआ एग्जांपल नंबर टू पूछता हूं रिप्लाई करना तैयारी करते हैं भैया तैयारी कर रहे रिविजन पार्ट में एग्जांपल नंबर टू का पूछू अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन

सोचो बताओ बाद में उस कंपनी ने बाद में उस कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट को पूरा नहीं किया और कोई नया काम शुरू कर दिया जो कि ऑब्जेक्ट में लिखा ही नहीं था और जो कि अलाउड भी नहीं था तो क्या बोलोगे कौन सा वायलेशन हुआ जिन मेंबर्स ने वो काम किया वो वायलेशन किसका किया एक्ट का वायलेशन हुआ या कोर्ट का वायलेशन हुआ अगेन द आंसर इज

तो उस केस में उसे उस केस में वहां पर जो लिफ्टिंग होती है उसे बोलते हैं लिफ्टिंग अंडर दी स्टेचुट्री प्रोविजन और ये पार्ट आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है वट इज इज जुडिशियल तो जुडिशियल वाला पार्ट सिलेबस का हिस्सा है जिसके ऊपर आपको केसेस पढ़ने हैं गाइस समझाऊ आप स्टार्ट करें आओ तो रिवाइज करते हैं वो कौन कौन से केसेस है जहां पर हम पढ़ने वाले हैं अपने जुडिशियल वाले पार्ट केस नंबर वन डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी करेक्टर भाई कंपनी का करेक्टर जानने के लिए ये बहुत डिटेल कंटेंट है topic, इंटर में पढ़ाऊंगा आपको सेम पार्ट आएगा वहां पर भी दूसरा पार्ट प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड या इम प्रॉपर कंडक्ट तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू जहां हम केस सब में केस रड़ी है सर दिन श्याम जी पैटेड ये पढ़ेंगे इसके अंदर आगे सर कंपनी फॉर्म एजेंट ऑफ एन मेंबर नेक्स्ट इज फॉर्म टू अवॉइड लीगल वेलफेयर क्या बोला समझ में कुछ भी नहीं आया पांच केस है बेटा पांचों ही यही है यही हमारा पूरा टॉपिक दिखाऊं आओ बात करते हैं अब मैं चाहूंगा हर बच्चा सुनता रहेगा सुनता रहे बेटा सुनते रहना आंसर देते रहना आपका पूरा पार्ट रिवाइज होता रहेगा सबसे पहला पार्ट एक बात तो क्लियर हमें यहां से हो जाती है कि सर

तो पहला आया प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू गाइस सुनना सबसे पहला केस प्रोविजन और याद रखना पे आता है आपकी कमाई है आपने पैसा कमाया और मान लीजिए आप रेवेन्यू कमाया तो टैक्स पे करना पड़ेगा बट आप टैक्स चोरी करना चाहते हो आप टैक्स को बचाना चाहते थे इसलिए आपने क्या किया कुछ नई कंपनीज खोल दी सुनना ध्यान से इसमें ये रियल केस है ये पूरा केस सुनाऊंगा समझना ध्यान से बात को और फिर रिप्लाई करना इस पे ना एग्जाम में ना बैक टू बैक क्वेश्चन आया फाइव मार्क्स में आया कभी सिक्स मार्क्स में क्वेश्चन आया।, आया है अब पहला पॉइंट सुनना नंबर वन रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई कंपनी खोली जाती है रेवेन्यू के प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई कंपनी खोली जाती है ओपन की जाती है क्या आप हो आपको टैक्स नहीं पे करना तो नॉर्मली आप जानते हो कंपनीज को 30 परसेंट फ्लैट टैक्स पे करना पड़ता है अपने प्रॉफिट वाले पार्ट के ऊपर ये नॉर्मली आपकी रेवेन्यू आ रही है आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ता है वही एक ऐसा रियल केस हुआ था दिन मैनक जी पैटिट के साथ में हुआ क्या था कहानी समझाऊंगा फिर पहले पॉइंट समझते हैं प्रोविजन नंबर वन क्या रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बोला सर रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द द द द रेवेन्यू ऑफ स्टेट कोर्ट कॉर्पोरेट अगर आप लोग या किसी भी कंपनी में आज की बात भी कर रहे हैं किसी भी कंपनी के अंदर अगर किसी ने ऐसा कुछ काम किया कि अपनी रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की कोशिश की तो उस दिन कोर्ट करेगा कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देगा और सिंपल सी बात क्या होगी जो मेंबर उसके पीछे होंगे वो हो जाएंगे बेटा पर्सनल लायबल

कोई बड़ी बात नहीं एग्जाम में क्वेश्चन सेम आ जाए तुम्हारे पास में सुनो भाई लोगों पहला पार्ट इस कहानी को समझने के लिए कि रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करना अपनी कमाई को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया कोई भी काम उस केस में कंपनी क्या करती है सर कोर्ट क्या करता है एक्शन लेगा बात समझना इस कहानी में क्या था बेटा कहानी का नाम है स्टोरी का केस का नाम है सर दिनशा मैनक जी पैटिट नाम है बेटा दिनशा मैनक जी पैटिट नाम है सर ये नाम ऐसा ही बेटा क्या करे दिनशा मैनक जी पैटिट वर्सिस में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सीआईटी ये केस है हमारी केसडी पढ़ने का पैटर्न आपको याद है कौन सा एनएसपीसी नेम स्टोरी प्लेंटिव कोर्ट जजमेंट मैं चार पार्ट में आपको बता रहा हूं चार पार्ट में याद रखनी है तो नेम दिया गया दिनशा जी पैटिट वर्सिस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स नेम है केस का स्टोरी सुनो स्टोरी बड़े काम की है बेटा स्टोरी सबसे काम की है इसकी हुआ क्या बेटा और ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आया एग्जाम में और इवन इंटर में भी क्वेश्चन आया इसके ऊपर सुनना जान से तो दिन शाह मैनेट ने क्या किया सुनना ये जो पर्सन है ना यहाँ पे मिस्टर डी मिस्टर डी ने क्या किया मिस्टर डी के पास में मिस्टर डी ने कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था प्लीज हर बच्चा सुनेगा और मुझे रिप्लाई करेगा मिस्टर डी ने कुछ कंपनीज के अंदर कुछ जगह पर अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था और वहां से मिस्टर डी को एक बड़ी अमाउंट के अंदर ह्यूज अमाउंट के अंदर वहां से इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम रिसीव होती है मिस्टर डी को इंटरेस्ट और डिविडेंड के रूप में एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिसीव हुआ बेटा बहुत बड़ी अमाउंट थी और सिंपल सी बात इंडिया है भाई यहां पर एक रुपया भी है तो टैक्स लगता है तुम पर समझ रहे हो टैक्स पे करना पड़ता है तो हुआ क्या मिस्टर डी के पास में एक बहुत बड़ी अमाउंट में इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम आ रही थी जिसके ऊपर मिस्टर डी एक का भी टैक्स पे करना नहीं चाहते थे

पैसा ले लिया अब लोन पे टैक्स पे करना पड़ता है लोन ले रहे हो कर्जा ले रहे हो तुम लोग तो तो हुआ क्या मतलब सिंपल सी बात जब ये बात सीआईटी टैक्स डिपार्टमेंट को आइडिया लगा यार कि इसके पास तो इनकम आई थी टैक्स नहीं पे किया इसने तो भाई पता चला तो बोला भैया सॉरी मेरा तो पैसा लग गया उसमें खर्चे हो गए रिमेम्बर कंपनी खोल रखी है एक्सपेंसिव है, है खर्चे है खर्चे 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 तो पैसा तो बचा ही नहीं मेरे पास मेरे पास पैसा नहीं है सिंपल सी बात ना आप जानते हो ना जब आप प्रॉफिट एंड लॉस किसी कंपनी का बनाते हो तो सिंपल सी बात अगर एक्सपेंस साइड ज्यादा हो जाती है तो प्रॉफिट नहीं बचता प्रॉफिट कम होता है तो प्रॉफिट ही नहीं है टैक्स इस बात का कोई टैक्स नहीं लगेगा तो मिस्टर डी ने ये दिमाग लगाया कि भैया हाँ शेयर कंपनी के लिए भी अनमोल अब क्या किया बना लिया बट अभी तक शेयर कंपनी कन्फर्म नहीं हुई थी अनमोल अब कन्फर्म हो गया आगे जाके ये सारा केस हो गया कि तीन कंपनी बन चुकी है पैसा वहां डल चुका है लोन के रूप में मिल गया अब ये बात जब सी डिपार्टमेंट को आइडिया लगा यार ये कुछ तो गड़बड़ी कर रहा है

मुझे पैसा नहीं चाहिए मेरा पैसा मतलब है मेरा नहीं मैं तो लोन लिया है। तो में क्या हुआ के पीछे था कौन को? कोर्ट को पता करना था कि जानना चाह रहा था कि एक्चुअली इन तीनों कंपनी के पीछे या तीनों कंपनी एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है या एग्जिस्टेंस है भी या नहीं है ये कौन इनके पीछे है जब पता चला तो सामने पिक्चर ये आई बेटा कि एक्चुअली जो लोन लिया गया था जस्ट ए प्रिटेंडेड लोन वास्तविकता में ये कंपनीज़ कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ था और ना ही सिर्फ और सिर्फ पेपर पे हो रहा था ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क पे था प्रैक्टिकली ये तीनों कंपनी बनाई गई थी इस पर पूरी इनकम को वहां पे खर्चा दिखा के तो कंपनी बंद कर दे और बाद में उसे अपनी इनकम टैक्स पे करना ना पड़े तो बताओ क्या इसे आप प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू का पार्ट मानोगे नहीं मानोगे या टैक्स इवेजन टैक्स की चोरी का पार्ट मानोगे नहीं मानोगे और बताओ कोर्ट ने कोर्ट ऐसे केस में क्या करता है जब कोर्ट को लग जाता है कि कोई पर्सन कंपनी इसलिए खोल रहा है कि वो अपनी टैक्स की रेवेन्यू वाले पर टैक्स की लाइबिलिटी को बचाना चाहता है तो जवाब दीजिए बेटा कि कोर्ट उस केस में उसकी लिफ्टिंग क्योंकि सिंपल सी बात क्या ये क्या बोल रहा है भाई कंपनी अलग मैं अलग तो कोर्ट क्या बोलेगा चेक कर लेते हैं तो बताओ चेक करने के लिए कि कोर्ट कंपनी अलग और मेंबर अलग होते हैं ये चेक करने के लिए कोर्ट क्या करेगा टेलमीट एलमी मी, कौशल अनमोल रोशनी कोर्ट ऐसे केस में क्या करता है और क्या किया था उसने उस टाइम पे यस उसने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का ऑर्डर पास किया बेटा एग्जैक्टली exactly. यही हुआ था और तब जाके जो तो बात बोली ना लोन था एक्चुअल में कुछ हुआ ही नहीं ये बात उस दिन के बाद ही पता चली जब कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और पता चला कि एक्चुअली तीनों कंपनी बनाई गई थी इसके द्वारा अपनी इनकम के पार्ट को बचाने के लिए तो दिस इज द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का फर्स्ट पार्ट जिसे बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू रेवन्यू रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए पटनाता हूं से क्या लिखा पढ़ना बेटा कह रहा है ए अर्निंग ह्यूज इनकम एंड डिविडेंड इंटरेस्ट फॉर्म फॉर फोर प्राइवेट कंपनी ट्रांसफोर्ट इन्वेस्टमेंट इन एक्सचेंज ऑफ देयर शेयर

ये जो कंपनियां ओपन की थी ये सिर्फ और सिर्फ अपनी रेवेन्यू की लाइबिलिटी से टैक्स लाइबिलिटी से बचने के लिए किया था तो नॉर्मली क्या हुआ बारे में क्या हुआ बताओ मुझे तो यहां पर क्या अब कंपनी अलग है, मेंबर अलग है? या फिर जी ही क्या हुआ होगा क्या कंपनी लाइवल थी तीनों या फिर दिनशा मेनक जी पैटेड पर्सनल लाइवल हुआ लाइबिलिटी पे करने के लिए रोशनी कौशल माधव बताओ यश अनमोल अभी दिविशा बोलो 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 क्या हुआ होगा दिनशा विल बी हेल्प पर्सनली लाएबल का क्योंकि नॉर्मली वो पैसा उसी का था कंपनी कंपनी थी बनाई गई थी टैक्स को बचाने के लिए और जब भी ऐसा केस होता है कोर्ट हमेशा कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देगा और फाइनली मैं कंपनी लाइबल नहीं होगी मैंबर विल बी हेल्ड लाएबल क्योंकि सब सिंपली लिसन टू मी यूजिंग वर्ड कॉर्पोरेट वेल विच मीन

व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनिमी या किसे बोलते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमी क्या बोलता है किसे बोलते हैं? सर 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 इन केस ऑफ डेक्लेस ऑफ वर्ल्ड राउंड डिक्लेरेशन ऑफ वॉर जब वॉर डिक्लेयर हो जाता है दो कंट्रीज के बीच में सुनो 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 आई एम रिवाइजिंग इट इनकेस ऑफ डेक्लेरेशन ऑफ वॉर बेटा दॉर दो कंट्रीज के बीच में वॉर डिक्लेयर हो जाता है वॉर का मतलब ये नहीं कि मिसाइलें छोड़ रहे गोले चल रहे नो no! इसे वॉर नहीं कहा गया प्रैक्टिकली वॉर नहीं होता वॉर का मीनिंग होता है जब दो कंट्रीज के बीच में व्यापार ट्रेडिंग बंद हो जाता है दोनों गवर्नमेंट दोनों कंट्री की गवर्नमेंट अपने बीच के ट्रेडिंग को बैन कर देती है उसे वॉर डिक्लेशन कहते हैं ऑफिशियली ऑफ वॉर का मतलब यही होता यही होता होता है है प्रैक्टिकली भी बेटा याद रखना exactly बेटा तो उस केस के है। है? तो के तो प्रैक्टिकली क्या होता है कंट्री के बीच में ट्रेडिंग का बैन हो जाना इस वोर, उसे वॉर बोलते हैं तो वॉर में क्या होता है बेटा वॉर वाले केस में एक कंट्री में रहने वाले लोग

युद्ध चल रहा है उस केस में दोनों कंट्रीज के जो बेटा लोग होते हैं ना रेजिडेंट्स होते हैं वो और एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वैसे भी अलाउड नहीं है तो इसी के ऊपर आया कि भैया डिटरमिनेशन ऑफ एनिमी करेक्टर ऑफ द कंपनी नॉर्मली चीज के लिए भी कि अगर कोर्ट को लगता है भैया कि दो डिफरेंट कंट्रीज है वहां वॉर चला है वॉर हो रहा है और ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ये रियल केस है This case of second world war. सुनना, सुनाता सुनाता देखो, पहले बेटा, ध्यान ध्यान से, से का नाम सुना क्या लिखा हुआ है, टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड ब्रिटेन एक केस स्टडी है बेटा डेलमर कंपनी लिमिटेड एंड कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड केस स्टडी क्या है सुना ध्यान से बात को समझाता हूं केस

इंडिया में काम करती है लेकिन जो जो इंडिया में कंपनी चाइना चाइना की लगी हुई है और उसके उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ही है। उसका ही उसका मैनेजमेंट चाइना से ऑपरेट होता है रिप्लाई करना मुझे नहीं, क्यों पता है, बहुत बड़ा बिजनेस लॉस होगा उसको से। और हुआ था उस टाइम पे अकल आ गए ठीक कर लो ठीक कर लिया गया था रिप्लाई करना इंडिया और चाइना जिस दिन आपस में इनके बीच में वो डिक्लेर हुआ क्योंकि इस क्वेश्चन उसी के ऊपर है क्वेश्चन कहानी रिप्लाई करना है मुझे तो जवाब दो अगर दो कंट्रीज के बीच में वो डिक्लेरेशन हो गया तो ट्रेडिंग बंद हो गया ट्रेडिंग बैन है तो ये लोग भी क्या कहलाएंगे एनिमी कहलाएंगे तो जवाब दो जब एनिमी ही कहलाएंगे तो अगर इस चाइना की कोई कंपनी इंडिया के अंदर है गाइस चाइना कंपनी इंडिया के अंदर है और इंडिया में जो कहना कंपनी लगी हुई है लाइक एम आई शाउमी कंपनी जो है तो उस कंपनी के अंदर जो भी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं क्या उनका पता करने के लिए कि वो इंडियन है या वो चाइना के हैं क्या कोर्ट वहां पर कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करेगा नहीं करेगा बताओ टेल मी वेरी गुड बेटा एग्जैक्टली टेल मी बताओ 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 ये पता करने के लिए क्या किया जाएगा क्योंकि okay, ऐसा ही केस हुआ था डेलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी लिमिटेड के बीच में चले ये कहानी है बेटा सेकंड वर्ल्ड वॉर की सुना धन से रियल केस है इस केस स्टडी वॉर जब हुआ था उस टाइम की कहानी है सुनते लिफ्ट करेगा वेरी गुड अब पढ़ना क्या कह रहे क्वेश्चन का लंदन मतलब ब्रिटेन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था फॉर सेलिंग टायर्स टायर बेचने के लिए कौन से टायर मैन्युफैक्चर्ड इन जर्मनी वो टायर जो जर्मनी में बन रहे थे सुनना क्या बोल रहे जर्मनी के अंदर कंपनी जो टायर को मैन्युफैक्चर कर कर रही रही थी थी और एक कंपनी कंपनी दूसरी company क्या कर रही थी? वो टायर ब्रिटेन में बेच रही थी और याद रखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे के एकदम एंटी थी एक ब्रिटेन दूसरा जर्मनी एक ब्रिटेन और सेकेंड जर्मनी ये दोनों बाद में आपस में एंटी एक दूसरे सामने थी एनिमी कंट्री थी ठीक है आगे पढ़ना क्या हुआ सर अभी तक नहीं था आगे पढ़ना जो कि जर्मन कंपनी थी जर्मन कंपनी वर्चुअली है इंग्लिश कंपनी, कंपनी। बात सी जो कंपनी, जर्मन कंपनी, थी जर्मन कंपनी थी उसका सारा का सारा जो स्टेक था, वो किस में था दूसरी कंपनी के अंदर था मतलब कहां थी दिस इन लंदन कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी लिमिटेड कहा थी लंदन में थी बेटा ये कहा थी जर्मनी के अंदर थी एक्चुअली क्या था बेटा सुनना ध्यान से सुनना

डेलमर कंपनी लिमिटेड जर्मनी कंपनी क्या बोल रही है हमारा जो भी स्टेक बनता है हमारा जो भी शेयर बनता है हमें हमारा पैसा वापस चाहिए तो तो पहली बात तो ये कि जब अगर दो कंट्रीज आपस में एनिमी है उनके लोग आपस में एनिमी है तो उस कंडीशन में पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता ही नहीं है ये बात तो याद रखा हम याद ना, इन केस ऑफ एलियन एनिमी कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ये बात बात तो याद है आपको आगे पढ़ना क्या हुआ बात खत्म नहीं हुई आगे क्या हुआ पढ़ना बेटा कह रहा सर इट वॉज हेल्ड डिसीजन ये लिया गया अब जब पैसा देने से मना कर दिया इसने भाई किस बात का पैसा क्या बात कर रहे हो तुम्हारे सारे डायरेक्टर्स हैं सारे बीओडी तुम्हारी मैनेजमेंट तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा ही है जर्मन कंपनी का ही है तो ये कंपनी भी कहां की हुई जर्मनी की हुई भाई जिसका मैनेजमेंट जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जर्मनी हैंडल कर रहा है जिसका पूरा शेयर जर्मनी की जर्मन कंपनी के पास में है तो भैया वो कंपनी आपकी ब्रिटेन कंपनी कैसे रही आगे पढ़ने का कह रहा है ये किया गया कि वो एलियन कंपनी की बातें आती है तो प्रैक्टिकली क्या हो गया ये तो वो हो गया कि आप अपने एनिमी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो एक तरफ जहां पर आपकी दो कंट्री सुना ध्यान से बात क्या बोल रहा एग्जांपल दूं रियल एग्जांपल सुनते हैं मैंने बोला अभी एक नाम लिया मैंने Xiaomi कंपनी Xiaomi एम जो बोलता है एम आई ओपोवी सुन रहे फोन सुनाधन से उन कंपनी का इन कंपनीज ने अपनी एक कंपनी इंडिया में बना रखी है सुनना ध्यान से एक क्वेश्चन रिप्लाई करना समझ में आएगा इन कंपनीज ने अपनी एक कंपनी इंडिया में बना रखी है इंडिया में इनकॉर्पोरेट की हुई है हाँ ठीक है अब मैंने बोला इंडिया की जो कंपनी है सुनना ध्यान से बेटा लेट्स हैव अ लुक ऑन द पार्ट देखो ध्यान दिखाता हूं एक कहानी तुम्हें दिखाता हूं ताकि तुम्हें क्लैरिटी अच्छे से आए रिवीजन पार्ट में गाइस मैंने बोला यह कंपनी है चाइना में एम आई कंपनी है चाइना की ठीक है एम आई कंपनी ने मान लो मैंने कहा इंडिया के अंदर पे इंडिया के अंदर अपनी एक कंपनी लगा रखी है, है. लेल के लिए मैंने बोला रियलमी रियलमी नाम से कंपनी बना रखी है इंडिया के अंदर एग्जाम्पल दे रहा हूं सुना हुआ रियलमी कंपनी ने एक कंपनी इंडिया में रिलायंस रिलायंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था रिलायंस से जो कि इंडियन कंपनी है इससे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था इसमें शेयर वगैरह खरीद रखे हैं शेयर है, है, है इस कंपनी ने इस लगा रखा है सुनना ध्यान से बात को कहानी रिप्लाई रिप्लाई कर रहा हूं जो चाहिए मुझे एक कंपनी एम आई दूसरी कंपनी रियलमी जो इंडिया में है ये दोनों कंपनी इंडिया के अंदर है अब मैंने बोला गवर्नमेंट ने कुछ टाइम बाद क्या किया कंडीशन ऐसी बनी कि गवर्नमेंट ने दोनों कंट्रीज के बीच में चाइना और इंडिया के बीच में वॉर डिक्लेयर कर दिया वॉर डिक्लेयर कर दिया वॉर डिक्लेयर कर दिया अब ये क्या हो रहा है वॉर वाली कंडीशन में अब ये कंपनी एक्टिव हो गई और बोली भैया रिलायंस से जितने भी शेयर और मेरी पेमेंट बनती है ला भाई रिलायंस मेरा पूरा पैसा वापस दे मेरा पूरा पैसा वापस दे मुझे मेरा पैसा चाहिए हाँ वॉर चल रहा है मुझे मेरा पैसा सारा निकालना है नाउ प्लीज टेल मी क्वेश्चन पूछो रिप्लाई करना रियलमी रिलायंस में लगा हुआ सारा पैसा वापस मांग रही है अब यहां पर रिलायंस बोला भैया ये कंपनी तो चाइना की है और चाइना से वॉर चल रहा है और वॉर के केस में वॉर के केस में क्या होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता जब ये बात गुस्से में आए तो रियलमी कंपनी ने केस फाइल कर दिया रिलायंस के ऊपर केस फाइल कर दिया नाउ प्लीज टेल मी जब केस कोर्ट में जाएगा तो तुम्हें क्या लगता है कोर्ट क्या ऑर्डर पास करेगा क्या कोर्ट रिलायंस को बोलेगा पेमेंट दे दे या कोर्ट यह बोलेगा कि चेक करो रियलमी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअल में कौन है टेल मी जवाब दो हाँ विविशा करी मैं तो रील्स बनाती हूं बताओ हद <laughs> टेल मी गाइस बताओ मुझे ऐसे केस में कोर्ट क्या ऑर्डर पास करेगा पेमेंट दिलवा देगा या बोलेगा चेक करो रियल मी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेक करो कौन है मैनेजमेंट कौन होल्ड कर रहा है वेरी गुड सर चेक किया जाएगा सर चेक किया जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा ये चेक करने के टॉपिक का नाम क्या है बताना मुझे ये चेक करना कि किसी कंपनी के पीछे कौन है कौन है इसे क्या कहते हैं इट मींस आप ये कहना चाह रहे हो ना कि बोर्ड कोड ऑर्डर पास करेगा किसका बोर्ड ऑर्डर पास करेगा लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल की चेक करो कि एक्चुअली रियलमी कंपनी के पीछे एक्चुअली है क्या और पता चला भैया रियलमी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो एम कंपनी के बीओडी डायरेक्टर्स हैं सारे चाइनीज हैं तो बताओ बेटा क्या यहां पर ये यह पेमेंट देना पड़ेगा अब बताओ देना पड़ेगा टेल मी। नहीं मुंह दिखाई यस हाँ तो मुंह दिखाई कब कौन करवाएगा कोर्ट करवाएगा बेटा बोलो याद रहेगा और ऐसा ही कुछ केस यहां पर हुआ बेटा कि यहां पर भी जर्मन कंपनी का ही स्टेक था कंट्रोलर कंपनी के अंदर तो प्रैक्टिकली जिसका मैनेजमेंट जिसका शेयर उसके पास तो ये कंपनी क्या हुई एट द एंड दिस कंपनी इज अ सब्सिडियरी कंपनी क्या बोलूंगा दिस कंपनी इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ जर्मन कंपनी कौन सी टेलमर कंपनी लिमिटेड बोलो क्लियर हुआ और यही फाइनली जजमेंट पास हुआ कि भैया इसको पेमेंट देने का मतलब है कि अपने एनिमी को पेमेंट देना अपनी एनिमी से कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना बोलो क्लियर हुआ

समझे कि ना ही बोला क्लियर है भैया अनमोल रोशनी माधव यश दिविशा बोलो 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 अभी डन पॉइंट ठीक है भैया अब इसके प्रोफेशन बचे हुए गाइस वो बाकी मैं फिर काम नेक्स्ट कल रिवाइज करवा दूंगा पब्लिक पॉलिसी वाला पार्ट मेरी आपको पांच पढ़ने इसके अंदर तो एक काम करें कल खत्म करेंगे इस पार्ट को फिर थोड़ा लेंदी पार्ट रहेगा ये ठीक है

अभी ठीक है बेटा तो आपको लेटेस्ट वाला ही लिखना होता है कल तो आज हमारा टाइम इसमें थोड़ा कम रहेगा इसलिए तो यहां तक ये पार्ट करना कल हम लिफ्ट मैं मंडे को हम लिफ्टिंग वाला पार्ट पूरा खत्म कर लेंगे एंड विल स्टार्ट एक और टॉपिक इसमें कवर कर लेंगे थैंक यू वेरी मच यू टेक मिलते हैं कल मंडे है ना तो हाँ बाय 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 कैसे बाय और टाटा सी यू अगेन परसों मिलेंगे तेरे मेरे नैन बाय टेक सी टेक सी